जी घर से निकलने के आदाब कर ले जी। अगर मौका हो तो घर से निकलने से पहले दो रकात नमाज पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र के लिए जाते, कहीं भी जाते, तो दो रकात नमाज पढ़ने का एहतमाम फरमाते। घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नज़िल्ला औ नज़िल्ला औ नज़लिमा औ नुज़लमा औ नजहला औ युजहला अलैना। कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तकिल तौर पर, इसके अलावा एक और हाशिए के अंदर भी दुआ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी दुआ कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर से निकलते बिस्मिल्लाह से शुरू करते। इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह इस बात से हम पनाह चाहते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह ही पर भरोसा रखता हूँ। ऐ अल्लाह इस बात से कि हम फिसल जाएँ या गुमराह हो जाएँ, या हम पर हम जुल्म करें या हम पर जुल्म किया जाए, या हम नादानी करें या हम पर नादानी वाला कोई मामला करे, हम तेरी पनाह मांगते हैं और तेरी हिफाजत में ही आते हैं। यानी घर से निकलने रूटीन में फजर की नमाज़ में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम था, और बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जैसे ये पढ़ते हैं, तो इसके साथ ये वाली दुआ और इसका तर्जमा भी बहुत बेहतरीन है कि निकलते ही बंदा नीयत करे कि या अल्लाह कोई मेरा इस तरह के किसी के साथ कोई मामला और बदमजगी ना हो। घर से निकलते वक्त सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घर से निकलकर आसमान की तरफ देखते हुए ये दुआ पढ़ना, ये वाली दुआ है मुस्तकिल तौर पर। एक तो ये है कि दुआ पढ़ना है, एक ये है कि ये वाली दुआ आसमान की तरफ देख कर पढ़ना, और दुआ यही है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला। अल्फाज वही हैं, थोड़े आगे पीछे हुए हैं, अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहल औ युजहल अलैया।